और अब कुछ खबरें शोबिज की रंगारंग दुनिया से। मारू सराय की गुलकार जिशान रोखड़ी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, अदालत ने जमानत पर रिहा कर दिया। मुकामी तौर पर मकबूल होने वाले गुलकार जिशान रोखड़ी ने इस वक्त सबकी तवज्जो हासिल की जब उनकी गिरफ्तारी की खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। गुलकार को पुलिस ने वजीराबाद में बगैर इजाजत तकरीब मुनक्किद करने पर गिरफ्तार किया। ज़राए के मुताबिक जिशान रोखड़ी मेहंदी की तकरीब में गुलकारी का मुजाहरा कर रहे थे, ताम लाउड सिस्टम लगाने की वजह से गिरफ्तार किया गया। पुलिस का कहना है कि जिशान रोखड़ी पर दो मुकदमा दर्ज किए गए हैं जिनमें बगैर इजाजत प्रोग्राम करने साउंड सिस्टम एक्ट के तहत दफा शामिल की गई हैं। दूसरी जानब मुकदमे में तकरीब में शामिल मजीद 12 अफराद को नामजद किया गया है। बाद इजाम पुलिस ने मारूफ गुलकार जिशान रोखड़ी को इलाका मजिस्ट्रेट वजीराबाद की अदालत में पेश कर दिया। मजिस्ट्रेट बिलाल इफ्तिखार ने 50,000 रुपए के मुचलकों के इवज गुलकार जिशान रोखड़ी की जमानत मंजूर कर दी है। मारूफ भारतीय अदाकारा राकोल प्रीत सिंह अदाकारों प्रोड्यूसर सरजेकी बगनानी के साथ रिश्ता अजवाज में मुंसलिक हो गई। भारतीय मीडिया के मुताबिक राकोल प्रीत सिंह और जैकी बगनानी की शादी की तकरीब रियासत गोवा में मनकीद हुई, जहां इस जोड़ी की करीबी रिश्तेदारों अहलेहाना और चंद दोस्तों ने शिरकत की, जिनमें बॉलीवुड शख्सियात भी शामिल थे। अमेरिकी सुपरस्टार टॉम क्रूज की नई रूसी गर्लफ्रेंड एलसिना खैरोवा से अलहदगी हो गई। अमरीकी मीडिया के मुताबिक पिछले एक माह से 61 साल अदाकार 36 वर्ष की एलसिना खैरोवा के साथ लंदन में अपना ज्यादातर वक्त गुजार रहे थे। ज़रा के मुताबिक लंदन में होने वाले मुलाकात में ब्रेकअप का आगाज हुआ और दोनों ने दोस्ताना माहौल में ये ताल्लुक खत्म करने का फैसला किया। टॉम क्रूज और एलसिना के दरमियान ताल्लुक की खबरें पिछले वर्ष सामने आई थी जब दोनों को मुख्तलिफ तकरीबात में साथ देखा गया।